So hello students and welcome to our channel Edu Entertainment. So students, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट टू ऑफ चैप्टर फाइव एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी. ये आज हमारा टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक कन्फ्यूजिंग लगता है. इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो कन्फ्यूजिंग लगते हैं. तो आज हम करेंगे इसका पूरा कंसेप्ट करेंगे और इसके भी मैं बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा इस टॉपिक के रिलेटेड. सो बने रहे हमारे वीडियो को और पूरा वीडियो जरूर देखें. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट विद सम जोश. How is the Josh? Hi sir. How is the Josh? Hi sir. I said how is the Josh? Hi sir. So students, हम पहले एग्जांपल लेते हैं राहुल की इनकम को, जो मैंने पहली वीडियो जो बनाई थी इसके ऊपर इसमें आपको मैंने बताया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर पहले वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वो आप देख लेंगे ना तो ये वीडियो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी. सो मेरी रिक्वेस्ट है, लिंक इन विल बी इन द आई बटन. सो आप वो वीडियो जरूर पहले चेकआउट कीजिए, वो पहला पूरा वीडियो देखें और फिर ये वीडियो आप देख सकते हैं. तो चलो शुरू करते हैं. क्या है कि राहुल की इनकम हमने माना था वो क्या है कि 5000 पर मंथ थी पहले साल. फिर दूसरे साल कितनी इंक्रीमेंट हुआ 500 का, तो 5000 प्लस 5500 फिर 6000. तो हमको ये काउंट करना है, हमको ये जानना है कि 21st ईयर में क्या इनकम थी. वो हमने पहले सीख लिया था कि 21st ईयर में इनकम क्या होगी, वो हमने पहले वीडियो में देखा था. इस वीडियो में मुझे देखना है कि 21st ईयर तक पहुंचते उसकी मुझे फाइंड करना है कि उसका पूरा काउंट क्या हो जाएगा. पहले साल तो 5000 थी, फिर 5500 हुई, तो 21st ईयर तक पहुंचते उसके पास कितनी इनकम हो जाएगी, कितने रुपीज उसके पास हो जाएंगे, वो हमको जानना है. तो उसके लिए हमारा जो टॉपिक हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी. इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं 5.3 एक्सरसाइज का. सो वो 5.3 एक्सरसाइज का क्या प्रॉब्लम है कि हमको दिया है कि फाइंड सम ऑफ जीरो सम ऑफ ऑड टर्म्स बिटवीन 0 to 50 नंबर्स के बीच में जितने भी ऑड टर्म है उसका हमको सम फाइंड करना है. वो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले तो हम लिख सकते हैं, हम ये लिख लेते हैं कि हमारे ऑड टर्म्स क्या क्या है जो 0 to 50 के बीच में आते हैं. तो 0, 3 फिर हमारे आ जाएगा 5 फिर 7, 9 ऐसे जाते जाते हमारा जो लास्ट ऑड नंबर होगा 0 to 50 के बीच में होगा 49. ठीक है, तो ये इसका काउंट क्या होगा, पहले ये कितने टर्म्स होंगे, क्योंकि 50 नंबर्स है तो उसमें 25 वन होंगे और 25 ऑड होंगे, तो इसका काउंट क्या होगा, टोटल एन हमारा जो होगा वो होगा 25. ये तो आप समझ ही गए. अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं एस बोल रहा हूं. ठीक है, इसका मुझे सम फाइंड करना है, ये सारे टर्म्स का मिलके क्या होगा सम. अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस सीरीज को मैं उल्टा लिख रहा हूं. देखो एस इस सीरीज को मैं उल्टा लिख रहा हूं, मतलब क्या 49 फिर 47 और फिर जाते जाते हमारा आ जाएगा 9731. ठीक है, 531. तो मैंने जो सीरीज सीधी थी उसको मैंने उल्टी लिख ली सिंपली. अब मैं क्या करूंगा कि ये दोनों को प्लस कर लूंगा, तो हमारा क्या मिलेगा 2s इक्वल्स टू ये 49 प्लस 1 क्या होगा 50, फिर 47 प्लस 3 क्या होगा वो भी 50 और जाते जाते यहाँ भी हमारा 49 प्लस 1 हमारा 50 ही होगा. तो ये कितने टाइम्स 50 कितने टाइम्स जा रहा है, हमारा n क्या है 25 है. ठीक है, तो इसको मैं फाइंड कैसे करूंगा, अब मुझे सम फाइंड करना तो बहुत इजी हो गया. क्या करूंगा कि 25 इंटू 50, ये जो 50 है वो 25 टाइम्स रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो हम हमारा s क्या होगा, s है सम ऑफ द ऑड टर्म्स बिटवीन 0 टू 50, वो क्या होगा 25 इंटू 50 बाई 2. तो आप समझ रहे कंसेप्ट, यहां से शायद इतना समझ में नहीं आया पर यहां से आपको एक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमको ये टॉपिक पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत काम आएगा. एक और एग्जांपल लेता हूं कि जिससे और इजीली समझ में आ जाए. सो एक बच्ची है जो फर्स्ट मंथ में उसकी पिगी बैंक में 50 रुपीज डालती है और फिर सेकेंड मंथ में और 50 रुपीज, तो 100 हो गया टोटल काउंट, फिर 150 हो गया. अब हमको जाना है कि 200 में मंथ में उसकी क्या इनकम होगी 200 में मंथ. सो स्टूडेंट्स, अब हमको
हमने मुझे जानना है कि 200 में मंथ में उसकी टोटल टोटल अपने सेविंग्स क्या होगी, मुझे जानना है। पहले मंथ में 50 फिर 100, तो वो कैसे करेंगे? सो सुरेंद्र, अब मुझे जानना है कि इसमें 200 में मंथ में उसकी सेविंग्स क्या होगी, मुझे जानना है। तो पहले हमको ये तो एरिथमेटिक सीरीज है, हमको पक्का पता है, तो मैं पहले डी फाइंड कर लेता हूँ। डी क्या होगा हमारा? डी इक्वल्स टू 100 माइनस 50, वो होगा हमारा 50। ठीक है, डी हमको पता चल गया। अब मैं सीरीज को ऐसे लिख रहा हूँ, ए है हमारा 50, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D। ठीक है, और जाते 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 लास्ट टर्म, nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है, हमको उसके फॉर्मूला में हमने पार्ट वन में प्रूव की थी, वो क्या है? ए प्लस एन माइनस 1D। तो हमको अगर 200वां टर्म जानना है इसका, कि 200 टर्म क्या होगा, तो हम ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ए प्लस 199D, क्योंकि 200 माइनस 1 199 होता है। ठीक है, तो अभी के लिए यही सीरीज को हम मान लेते हैं, क्योंकि हमको फॉर्मूला प्रूव करना है। अब क्या करूंगा कि इस सीरीज को वैसे ही जैसे मैं उल्टा कर लूंगा, ये हम s मानेंगे और फिर s हमें उल्टा लिख लूंगा, तो वो क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, फिर होगा a प्लस एन माइनस 2D, और जाते 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 a आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये दोनों को मैं प्लस कर लूंगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? 2s इक्वल्स टू, ये कितने टर्म्स है? टोटल n टर्म्स है। ठीक है, क्योंकि a प्लस डी और ये टोटल हमारा जो टर्म्स की, कितने टर्म्स है हमारे इस सीरीज में, हमारे n टर्म्स है। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं इसको प्लस कर लूंगा, तो हमको क्या मिलेगा? 2a प्लस एन माइनस 1D। फिर ये प्लस करूंगा तो a प्लस ए 2a ही होगा, n माइनस 2D प्लस डी, तो d कॉमन आ जाएगा, n माइनस 2 प्लस 1, तो हमारा वो भी n माइनस 1 ही होगा। ठीक है, तो ये भी जाते 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 लास्ट में हमको क्या मिलेगा? 2a प्लस एन माइनस 1D। और ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है हमारा? कितने टर्म्स है? n टर्म्स, तो ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? n टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा? 2s इक्वल्स टू n, 2a प्लस n माइनस 1D। ठीक है, अब मैं यहाँ 2 यहाँ पे ले आऊं, तो हमारा sn क्या होगा? ये हम इसको हम sn से डिनोट करेंगे। sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, sn हमारा क्या होगा? n बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर का, ये टॉपिक का हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। इससे मिलता जुलता और एक फॉर्मूला होता है, वो भी हम बता ही देता हूं मैं आपको। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। ये दोनों फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला के इस्तेमाल करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल 5.3 के, इसमें आपको ये दोनों फॉर्मूला लगेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? sn इक्वल्स टू, ये हम पहले लिख लेता हूं, n माइनस n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1D। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, n बाय 2 a प्लस n माइनस 1D। इसमें और इसमें तो कुछ फर्क है नहीं, पर हमको पता है कि a प्लस n माइनस 1D क्या है? nth टर्म ऑफ n AP। ठीक है, n बाय 2 a प्लस an, और हमारा an जो होता है वो हमेशा लास्ट टर्म ही होता है इस सीरीज का, तो इस सीरीज का लास्ट टर्म को हम l बोलेंगे। तो मैं इसको फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? n by 2 a plus l, l क्या है हमारा? लास्ट टर्म ऑफ एन AP, an भी है वो nth टर्म ऑफ एन AP, और हर AP का an लास्ट टर्म ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, sn equals to n by 2 a plus l, sn equals to n by 2 2a plus n minus 1D। और ये आपको दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आपको बहुत सारे सम्स होंगे। पहले एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम खत्म कर लेते हैं, फिर हम एग्जांपल्स पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जानना है 200 मंथ में क्या उसकी सेविंग हो जाएगी, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे, ये हमारा 50 है, हमारा कॉमन डिफरेंस डी हमारा 50 है। ठीक है, और हमको एन भी पता है, एन क्या है हमारा? 200 माइनस 1 मतलब 199D होगा, मतलब हमारा जो फॉर्मूला लगेगा तो 2n माइनस 1 है ना, तो n हमारा क्या हो जाएगा? ये हमको s 200 फाइंड करना है। ठीक है, तो हमका क्या होगा? n बाई 2 मतलब 200 बाई 2, ठीक है, 2 इंटू 50 प्लस 199D, और d हमारा क्या है? 50। ठीक है, तो आप ऐसे फाइंड करके आपको सेविंग्स 200 में मंथ में कितनी सेविंग्स हो जाएगी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये जाता है n तक, इस ये जो है इसका सम क्या होगा हमको पूछा है, तो इसका भी हम फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी है।
मेथड वही है, हम इसको बोलेंगे SN से डिनोट करेंगे और भी क्या करेंगे, हम इस सीरीज को उल्टा कर लेंगे, कंसेप्ट वही लग रहा है, आप वो ध्यान में रखें कि n प्लस ये n माइनस वन होगा, फिर प्लस n माइनस टू होगा और फिर जाते 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 प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा टोटल क्या होगा, टू एस एन इक्वल्स टू एन प्लस वन, फिर से एन प्लस वन, फिर से एन प्लस वन और जाते 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 एन प्लस वन, और ये कितने टर्म्स है, कितने टाइम्स होगा, ये एन टाइम्स होगा, क्योंकि हमारा टोटल टर्म्स क्या है, टोटल टर्म्स कितने एन, ठीक है, एन इक्वल्स टू एन है, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं कि ये एन टाइम्स ये एन प्लस वन रिपीट हो रहा है, तो हम इसका टोटल फाइंड करने के क्या कि सिंपली एन इंटू एन प्लस वन कर लेंगे, टू एस एन इक्वल्स टू, देयरफॉर एस एन इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा थर्ड फॉर्मूला है SN के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें इसका फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा कि आपको सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स पूछ लेंगे, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 ये n क्या होगा हमारा 100 होगा, ठीक है। तो ये पूछेंगे तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा लेंगे, मतलब 100 इंटू 101 बाई 2 लगा लेंगे, तो आपको ये सम आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 100 तक आपको मिल जाएगा आसानी से। तो इस टाइप के सम्स के लिए हमको ये फॉर्मूला लगेगा, पर इस टाइप के सम्स कम है, हमारा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो है, हमने जो पहले दो फॉर्मूला प्रूव किए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक मैंने जो करा आपको समझ में आ रहा है, वीडियो में इंटरेस्टिंग लग रहा हो, आपको मजा भी आ रहा है, ठीक है। तो हम एग्जांपल्स पे आते हैं, जो टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स है और मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, जो बच्चों में कंफ्यूजन होता है, इस टाइप के एग्जांपल्स करने में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ठीक है हम फटाफट से एक्सरसाइज पे आते हैं। देखो एक क्वेश्चन है कि हमको फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया है ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी वो क्या है 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमको दिया है कि इस ये जो सीरीज बनेगी उसका जो कॉमन डिफरेंस है डी वो है हमारा 9। तो अब हमको क्या फाइंड करना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ये हमको पूछा है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, व्हाट इज देयर सम, ठीक है। तो ये दो हमको क्वेश्चंस पूछे, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, व्हाट इज देयर सम। अब देखो इसलिए बोल रहा था कि हमको दोनों फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है, तो इससे पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का यूज है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, ये फर्स्ट टर्म है हमारा लास्ट टर्म है, ठीक है। तो हमको ये दोनों दिया हुआ है, एन बाई टू ए हमारा है 17 और एल हमारा है 350, ठीक है। अब हमको कॉमन डिफरेंस डी भी दिया हुआ है, वो भी आप समझने की कोशिश कीजिए, तो हमारा दूसरा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कॉमन डिफरेंस डी आता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। n बाय 2 लिख लूंगा, यहां पे 2 ले आता हूं मैं, तो 2sn हो जाएगा, यहां से भी मैं यहां 2 ले आऊंगा तो 2sn हो जाएगा, ठीक है। a हमको पता है क्या है 17, तो 2 इंटू 17 हमारा होगा 34 प्लस एन माइनस वन डी हमारा है 9, ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा। अब देख सकते हो कि 2sn को मैं इस क्वेश्चन से रिप्लेस कर सकता हूं, मतलब 1 और 2 का इस्तेमाल करके मैं 2sn को रिप्लेस कर रहा हूं, देखो तो क्या होगा हमारा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं n 34 प्लस n माइनस 1 9 इक्वल्स टू n 367, देखो अब n कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। ये होगा 34 प्लस 9n माइनस 9 इक्वल्स टू 367, ठीक है। 34 माइनस 9 25 होता है, तो 9n इक्वल्स टू 25 हमारे यहाँ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 342, 367 माइनस 25 342 होता है, देयरफॉर n इक्वल्स टू 342 बाई 9, तो 9 हमारा हो जाएगा 327 और 3 और 7 मतलब 72, 8 72, तो हमारा रब कर लेता हूँ मैं, देखो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, वो क्या है n हमारा मिल गया 38, ठीक है। अब हमका दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज देयर सम, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आपको जो आपको फॉर्मूला इजी लगे तो वो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मेन एन आ गया है, ठीक है। तो एस एन में इजी हमारा यही है एन बाई टू
ए प्लस एल, ये सबसे इजी फॉर्मूला है। 38 बाय 2 इंटू 367, क्योंकि 17 प्लस 350 367 होता है, ये होगा हमारा 2 1 2 और 2 9 18, ठीक है। तो 367 इंटू 19, ठीक है, 376 और 39, और ये हमारा हो जाएगा 6973। सो देयरफॉर हमारा SN क्या होगा, 6973, ठीक है। तो हमको N भी मिल गया और हमारा SN भी हो गया। तो अब इसमें मैंने देखा है, फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है, सेवन क्वेश्चन है, एट क्वेश्चन है, सब में ये दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो आप ये याद जरूर रखना, ऐसे ही आपको दिया होगा कि आपको दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करने के बगैर आप ये क्वेश्चन ढूंढ ही नहीं सकते, आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड, वो भी मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ लेता हूं पहले, फिर लिख लेता हूं मैं। ये 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है एक, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। उसमें हमको इंफॉर्मेशन क्या है दी है कि डी हमारा 7 है और जो 22nd टर्म है उसकी वैल्यू जो है वो है 149। ये हम बोल सकते हैं कि हमको L दिया हुआ है, ठीक है। D है हमारे पास और हमारे पास L है और हमारे पास N भी है, N कितना है 22, क्योंकि हमको फर्स्ट 22 टर्म्स का फाइंड करना है सम, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ही हमको पता है कि दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल तो होने ही वाला है, ठीक है। तो हमारा पहला फॉर्मूला SN इक्वल्स टू N बाई 2 A प्लस L, ठीक है। हमारे पास ये हम 2SN लिख लेते हैं, 2 यहाँ पे आ जाएगा, N हमारा क्या है 22, A प्लस L क्या है हमारा 149, और दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या है कि SN इक्वल्स टू N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1T, ठीक है। ये भी 2SN हो जाएगा, ये हम 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 होगा ये, N हमारा है 22, ठीक है, 2A प्लस N माइनस 1 मतलब 21 इंटू 7, ठीक है, क्योंकि D हमारा 7 दिया हुआ है, ये हमारा इक्वेशन 2 होगा। फिर से ये दोनों के इक्वेशन को, ये 2SN को इससे हम रिप्लेस कर सकते भाई, इक्वेशन 1 एंड 2 हम 2SN को ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रब कर लेता हूं मैं, सकता हूं 22 2A प्लस 21 इंटू 7, ठीक है, इक्वल्स टू 22 A प्लस 149, ठीक है। ये हमारा 22 कैंसल हो गया, ठीक है, 2A प्लस 7 और 7 2 41 47 इक्वल्स टू A प्लस 149, ठीक है। तो A हमारे यहाँ पे आ जाएगा, तो A हमारा क्या होगा 149 माइनस 147, मतलब A हमारा 2 हो गया, ठीक है, सॉरी। तो हमको A भी मिल गया है, हमारे पास N भी है, हमारे पास D भी है, हमारे पास L भी है। तो हम फॉर्मूला तो क्या है सिंपल वाला इस्तेमाल करेंगे, तो SN क्या होगा हमारा N by 2 A plus L, ये हमको मिल गया है। N क्या है हमारा 22 by 2, A हमारा है 2 और हमारा L है 149, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको SN मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, जितने भी सम में फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है, ये जितने भी एक्सरसाइज सम है इसमें ये दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब इसमें मैंने देखा है कि जो 18 से क्वेश्चन है वो प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं वो प्रॉब्लम्स को दूसरे वीडियो में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में तो इतने एग्जाम्पल लेते हैं, फिर दूसरे वीडियो में पार्ट 3 बनाएंगे, जिसमें वो प्रॉब्लम्स वाले जो सम्स है वो हम कंसिडर करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से बोलूँगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।